दोस्तों नमस्कार, जय माता दे। हमारे YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन। और मैं आशा रानी आज आपके लिए बहुत अच्छी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आपके लिए देसी घी के बेसन के लड्डू लेकर आई हूँ। देसी घी के बेसन के लड्डू बनाने के लिए हमें कौन सा बेसन लेना चाहिए और कितनी सामग्री लेनी चाहिए? जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपके लिए देसी घी के बेसन के लड्डू बनाऊंगी जो हलवाई से भी ज्यादा स्वादिष्ट होंगे और कई महीनों तक खराब नहीं होते। सबसे पहले तो आपको यह बताना चाहूंगी, आप कभी भी घर पर बेसन के लड्डू बनाए तो उसके लिए मोटा बेसन ही लें। अगर आप बारीक बेसन लेंगे तो लड्डू स्वाद नहीं बनेंगे, इसलिए आप हमेशा लड्डू के लिए मोटा बेसन ही लें। अब बात आती है घी की। 1 किलो बेसन के लिए 700 ग्राम घी लेना होता है और 1 किलो मीठा लेना होगा। कम ज्यादा आप इसी हिसाब से कर सकते हैं। वैसे तो बहुत से लोग बेसन भूनकर और उसमें बुरा मिलाकर लड्डू बनाते हैं, परंतु मैं हमेशा चास बनाकर लड्डू बनाती हूँ। चाशनी वाले बेसन के लड्डू बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होते हैं और लंबे समय तक चलते हैं। अब लड्डू बनाने के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए और कितनी कितनी मात्रा में चाहिए, ये देखिए 200 ग्राम बेसन। बेसन मोटा ही लेना है। ये देखिए 200 ग्राम बेसन हमने मोटा लेकर रखा है और ये 200 ग्राम बूरा। आप चीनी भी ले सकते हैं या फिर बूरा भी ले सकते हैं। और ये 150 ग्राम देसी घी। और ये देखिए, ये कुछ काजू के टुकड़े हमने रखे हैं और 50 ग्राम पानी। ये देखिए, अब सबसे पहले हम गैस ऑन करेंगे और गैस पर कढ़ाई रखते हैं। अब कढ़ाई में हम घी डालेंगे। ये देखिए, देसी घी डालना है। अब इसको गर्म होने देते हैं। अभी देखिए, घी गर्म होने के बाद हम इसमें बेसन डालेंगे और इसको मध्यम आंच पर ही भूनेंगे। ये देखिए, ऐसे चलाते रहना। और ये देखिए, इसको ऐसे चलाते रहना, इसको हल्की आंच पर ही भूनना है। इसको तब तक भूनते हैं जब तक इससे खुशबू आनी शुरू ना हो जाए। अभी देखिए, हमारे बेसन से खुशबू आनी शुरू हो गई है। अभी देखिए, अच्छे से भूनने लगा है। अभी देखिए, हमारा बेसन अच्छे से भून चुका है। अब हम गैस ऑफ कर देते हैं, उसको अलग बर्तन में निकाल लेते हैं। अब हम चाशनी बनाएंगे। अभी देखिए, इसको अलग बर्तन में निकाल लेते हैं। ऐसे सारा निकाल लेना। अब चास बनाने के लिए ये देखिए, कढ़ाई में हम बूरा डालते हैं। आप चाहे तो चीनी भी डाल सकते हैं। अब हम डालेंगे 50 ग्राम पानी। ये देखिए, अब इसको ऐसे चलाते रहना। और देखिए, चास को अच्छे से चलाते रहना है ऐसे। और देखिए, चास को ऐसे ही चलाते रहना है। अब चास को हम चेक करते हैं। इसको चेक कैसे करना, ये देखिए ऐसे। ये देखिए, जैसे ये देखिए तार बनना शुरू हो जाता है, इससे आप समझिए हमारी चाशनी बिल्कुल तैयार है। अब हम गैस ऑफ कर देते हैं और इसको ठंडी होने देते हैं। अभी देखिए, कढ़ाई को हम गैस से नीचे उतार लेते हैं। अब हम इसमें बेसन डालेंगे जो हमने भून कर रखा हुआ है। ये देखिए, सारा बेसन इसमें मिला देना। ये देखिए, ऐसे ऐसे अच्छी तरह से मिलाना। ये देखिए, इसको अच्छे से मिक्स करना ऐसे। अब हम इसमें काजू डालेंगे और अच्छी तरह से मिला देंगे। अब इसको हल्का ठंडा होने देते हैं। अब इसको हल्का ठंडा होने के बाद ये देखिए, हम थोड़ा पानी का हाथ लगाएंगे ऐसे और लड्डू बनाएंगे। ये देखिए ऐसे। ये देखिए, आप ऐसे दोनों हाथों से भी बना सकते हैं। ये देखिए, हमारे बेसन के देसी घी के लड्डू जो बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं, देखिए ऐसे ही सारे बना लेते हैं। ये देखिए, हमारे बेसन के लड्डू बिल्कुल तैयार है। आप बड़ा छोटा जैसा भी बनाना चाहते हैं अपने हिसाब से बनाइए। ये देखिए। और धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल पर बने रहे। जय माता दोस्तों।